कि इस्लाम का मुकाबला करने के लिए यहूदी और उनके सपोर्टर्स वो खड़े हो जाएंगे पूरी ताकत के साथ, और बजाय ऐसा महसूस होगा कि इस्लाम जो है उसका चिराग गुल हो जाएगा। इतनी ताकत उनके पास है, इतने वसाइल उनके पास है कि बजाय आलम इस्लाम के अंदर कोई सकत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। बहरहाल दुनिया एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अब मैं इससे अगली बात जो कहना चाहता हूं उसके लिए पहले से माफ़ करता हूं, खुशखबरी मैंने दी है तो बदखबरी भी मुझे। उस आलमी गलबा इस्लाम से पहले अभी उम्मत मुस्लिमा की बहुत पिटाई होनी है, बहुत पिटाई होनी है, बहुत पिटाई। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने कहा किताबुल मलाहिम अहादीस की किताबों के आखिर में ये चार अबवाब जो आते हैं, जो आमतौर पर उलमा भी नहीं पढ़ते, इसलिए कि उनसे कोई फिकही मसला तो निकलता नहीं, उनसे कोई शरी हुक्म नहीं निकलता, वो तो पेशेन गोईया है। किताबुल फितन कैसे कैसे फितने उठेंगे, किताबुल मलाहिम कैसी कैसी जंगी होगी। लेकिन भारत अल्लाह का फैसला तो यही है, अल्लाह ताला तो अल्लाह मुतिम नूर ही, अल्लाह तो अपने नूर का इतमाम फरमा कर रहेगा। वह या अल्लाह युतिम नूर हूं, एक मुस्बत अंदाज बयान है और एक मनफी अंदाज है। अल्लाह को हर किस मंजूर नहीं है मगर यह कि अपने नूर का इतमाम फरमाए। तो मनफी और मुस्बत दोनों अंदाजों में बात की, अल्लाह का फैसला है, यह अटल है। इसी